इतना बड़ा उनके सिक्कों का इतना अच्छा वो है, क्या कहते हैं, और वहाँ इन्होंने ऐसी फैसिलिटीज नहीं कर रखी है। यहाँ पे कार्ड नहीं ले रहे हैं, मतलब नीचे हो जाएगा पेमेंट, लेकिन यहाँ पे नहीं है। और जो चार्जेस है वो वेट के हिसाब से है, मैक्सिमम 3,500-3,000 रुपये। कौन है? ठीक है, तो हेलीकॉप्टर तो आएगा, अभी आएगा। इतनी सारी भीड़ है वहाँ पे और नज़ारा कुछ इस तरीके से है, बिल्कुल टच कर रहे हैं बादल, ऊपर स्नो के पहाड़ हैं जो काफ़ी हाइट पर। हे, गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, हाई, आई एम सुमित। अभी बज चुका है 9:30 और अभी का अपडेट ये है कि हम जा रहे हैं वापस रिटर्न, यानी नीचे। प्लान में थोड़ा सा चेंजेस आ गया है, फूलों की घाटी का कैंसिल हो गया जाना, कि अभी इस समय जो है बहुत ज़्यादा बर्फ और पूरा ड्राई ड्राई मिलेगा, घाटी पूरी हरी भरी नहीं होगी। हरी भरी अगर आपको देखना है तो अगस्त या सितंबर में आना पड़ेगा, क्योंकि इस समय तो बर्फ़ होती है तो ज़्यादा कोई फ्लावर्स वगैरह होते नहीं हैं, और ड्रोन उड़ाने की परमिशन भी वहाँ पे है नहीं। तो इस वजह से मेरा तो उद्देश्य था कि ऊपर से व्यू दिखाया जाए आपको, लेकिन वो है ही नहीं वहाँ पे, तो मैंने मतलब दिमाग से हट गया, फिर नहीं जा रहे हम। अभी हम जा रहे हैं रिटर्न हेलीपैड पे, यानी कि गोविंद धाम से गोविंद घाट की ओर। तो अभी दीपक सर और अंकित सर वहाँ पर टिकट करा रहे हैं, पीछे आप देख रहे हो। फिलहाल यहाँ का व्यू बड़ा शानदार है, सब लोग वेट कर रहे हैं। अब कुछ लोग रेस्ट करने वाले भी हैं और कुछ लोग फ्लाइट वाले भी हैं जिनकी फ्लाइट है, और यहाँ पे ये सारे कैंप वीआईपी वाले, जितने भी हेलीकॉप्टर वाले हैं वो सब। ये भी एक तरीके से वैली समझ लो, तो पूरा एरिया इतना खाली है चारों तरफ से, तभी तो हेलीपैड है यहाँ पर। सामने के पहाड़ कितने ऊंचे हैं, काफ़ी इंतज़ार के बाद हमें फाइनली टिकट मिल जाता है हेलीकॉप्टर का, और अगली फ्लाइट जो है वो हमारी होने वाली है, तो आप तैयार हो जाओ उड़ने के लिए। अब यहाँ अपनी फ्लाइट का इंतज़ार करते करते हम फिर से निहारने लग जाते हैं इन खूबसूरत वादियों को, इन खूबसूरत पहाड़ों को, और बस निहारते निहारते कब हमारा हेलीकॉप्टर आ जाता है हमें पता तक नहीं चलता। और जो प्रेशर पड़ता है हवा का, सबके कदम आगे जाने की वजह पीछे की ओर बढ़ने लगते हैं। बस जैसे तैसे सब अपने आप को संभालते हैं और एक अंदरूनी खुशी के साथ फ्लाइट में बैठ जाते हैं। एक्सपीरियंस था, मज़ा आ गया पूरा। जब वो ऐसे टर्न हुआ ना तब तो और ही ज़्यादा खतरनाक, लेकिन अच्छा था। सेकंड टाइम फ्लाइट थी, कान बंद हो जाते हैं बैठने में, और गर्म बहुत लग रहा था, कपड़े ज़्यादा भी पहन रखे शायद इसलिए, वहाँ ठंडा था उसमें गर्म हो रहा था। लेकिन कुछ भी कहो, कितना 7-8 घंटे की यात्रा 10 मिनट में हो गई, 10 मिनट ही पूरे नहीं लगे होंगे, पहुँच गए हम फटाफट। अब यहाँ से टैक्सी पकड़ते हैं बाइक तक जाने के लिए, फिर बाइक उठाते हैं फिर नीचे। फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं गुरुद्वारे की तरफ जहाँ से हमने चढ़ाई शुरू करी थी, और वहाँ ऊपर जा करके कहीं पे हमने पीछे उस वाली घाटी पे बाइक पार्क करी है, जो कि टैक्सी लेकर के हमें वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा उस वाली पहाड़ी तक।
उसके बाद जा करके हम बाइक से नीचे आएंगे, गुरुद्वारे से अपना सामान उठाएंगे, सामान उठाने के बाद फिर उसके बाद वापस रिटर्न हो जाएगा। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल, सबके सब पंजाब की गाड़ियाँ भरी पड़ी हैं पार्किंग में, वो भी पंजाब, हरियाणा, हरियाणा, पंजाब, पंजाब, चंडीगढ़, चंडीगढ़। पहला हेलीकॉप्टर में कैसा लगा आपको? कान वान बंद हुए थे कि नहीं हुए थे? एक सेकंड के लिए हुआ था। एक सेकंड के लिए हुआ था? तुम पहली बार कब चढ़े थे? और यूं में कुछ हुआ था, फट गई थी हल्की सी वो मज़ा आ रहा था भाई। तुम पहली बार कब चढ़े थे? वैष्णो देवी में। अच्छा, तो ये दूसरी बार था, पर ये वाली फ्लाइट थोड़ी सी लंबी थी और कई सारी घाटियों के बीच में से थी, 7-8 घंटे का सफ़र, 5 मिनट फुल था। हाँ, 5-6 मिनट का ही था। अब हम पहुँचते हैं गोविंद घाट के गुरुद्वारे में, जहाँ पे हमने सारे बैग गुरुद्वारे की फैसिलिटी यानी लॉकर में सुरक्षित रखे थे, जो कि निःशुल्क सेवा है गुरुद्वारे की तरफ से, पर आप चाहें तो यहाँ पे कुछ अपनी तरफ से सहयोग कर सकते हैं। और फिर हमने गुरुद्वारे में ही लंच किया और लंच के बाद हम निकल के टैक्सी लेकर के अपनी बाइकों को पिक करने के लिए, और हम पहुँच जाते हैं पुलना। पुलना वो जगह है जहाँ पे आपको लास्ट अपनी बाइक कार यहीं पे पार्क करनी होगी, इसके आगे आप बाइक या कार ले जा नहीं सकते। पार्किंग में चलते चलते हालत ख़राब हो गई हमारी, दोनों का खड़ी है वो, और मिल गई फाइनली, दूसरी मिल गई। हेलो, क्या करते हैं, निकलते हैं। बस फिर हम निकल पड़ते हैं अपनी नॉन स्टॉप फ्लाइट के लिए, और ये हम पहला ब्रेक लेते हैं। यहाँ पे हमें एक लंगर दिखाई देता है जहाँ पे हम जलेबी और चाय का आनंद लेते हैं। अभी फिलहाल नाइट में ड्राइव कर रहे हैं, 2 बजे का टाइम इसमें दिखा रहा है, 4 घंटे अभी और लगने वाला है, 146 किलोमीटर भी हमें और खींचना है। घड़ी में बज रहा है 9:54 और अभी हम हैं हल्द्वानी वाले रास्ते पर, और यहाँ पर रोहित बाबू जी हमारे साथ जो पीछे बैठे हैं उनकी पट्टी हाथ में आ गई, क्योंकि अंधेरा कुछ इस तरीके से है। रात के 10 बजने वाला है, फिलहाल रोड खाली है तो स्पीड मेंटेन करते हुए हम लोग चल रहे हैं। बस नाइट में ड्राइव करने का एक यही फायदा है। हमारी अगली लोकेशन जो होने वाली है वो है चकोटिया, जो कि यहाँ से 20-25 किलोमीटर के डिस्टेंस में होगा। सबसे अच्छी बात लगती है कि समय कम लगता है और दूरी जो है वो थोड़ा कम समय में तय हो जाती है। 1 रानीगढ़ 2 किलोमीटर जाती है। हाँ भाई रोहित बाबू, यहीं लगा दें टेंट तुम्हारे लिए? नहीं नहीं, चलने दे जैसे चल रहा है। एक सौ बीस किलोमीटर और बाकी है भाई, 120। नहीं नहीं बस, थैंक यू। अंकित तुम पीछे बैठो, अब तुम चेक करोगे होटल। ₹150 देगा 1 लीटर। बारह बजने वाला है और अभी हम होटल की तलाश में हैं, कोई मिल जाए, और पेट्रोल भी मतलब बिल्कुल एंड हो चुका है। चलो कोई नहीं, देखते हैं अभी मिल जाएगा कोई ना कोई होटल जो रात को रुकते हैं, और पेट्रोल तो सुबह देखेंगे कहीं ना कहीं मिल जाएगा। अभी पेट्रोल बचत हो रही है, फिलहाल में डीजल में चला जा रहा है ताकि पेट्रोल सेव कर सकें और होटल तक जहाँ पर हम लास्ट टाइम ठहरे थे तो वहाँ तक पहुँच सकें, चाहेंगे कोई थोड़ा सा और देख के जाने के लिए। अभी क्या जबरदस्त, अभी जबरदस्ती कर रहा है, पीछे वाली बाइक से पुश करके चलाया जा रहा है। थोड़ी बहुत बची है, पूरी तरीके से खत्म नहीं है, वो इमरजेंसी के लिए रखी है। अब नेक्स्ट टाइम से ना एक्स्ट्रा पेट्रोल लेके चलूंगा। दीपराज होम स्टे,
देखते हैं इसके पास क्या निकलता है, पेट्रोल या रूम। मैं तो चाह रहा हूँ पेट्रोल मिल जाए। हाँ ठीक है, देखते हैं क्या मिलता है। सवारी तो अच्छी कर रखी है इसने। अब एक तो चलाने की भी ताकत नहीं आ रही है ना, दिक्कत ये है। किधर हो? खाना पीना होगा? ना खाना भी नहीं नहीं। चलो भाई अब सारा सामान ऊपर लेके आते हैं। आ जाओ जवानों, आ जाओ, पूरी पार्किंग तुम्हारे लिए है। अब 6 से 7 घंटे की सुकून भरी नींद निकाल कर हम लोग निकल पड़ते हैं अपने होटल रूम से अलविदा लेके पहाड़ों की नागिन जैसी रोड पर। अगला वो है जहाँ पे हम रुके थे। आखिरकार हमारी गाड़ी पेट्रोल पंप तक पहुंची। और हम रुकते हैं भुट्टा पार्टी के लिए। पहाड़ों में आए और भुट्टा नहीं खाया तो आपने सब मिस कर दिया। तो हम यहाँ पे 5 से 10 भुट्टे खपत जाते हैं और एक भुट्टे में दीपक जी को निपटा देते हैं। वो निकल जाते हैं अपने ऑफिस और हम यहाँ पे भुट्टे को एंजॉय करते हैं और 3 से 4 भुट्टे पैक करवा के फिर यहाँ से रवाना हो लेते हैं। तो बस यहीं पे होता है हमारा हेमकुंड साहिब की जर्नी का एंड। आशा करता हूँ आप सभी को हेमकुंड साहिब की सीरीज पसंद आई होगी और ऐसे ही एडवेंचर से भरे वीडियोस को आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अपनी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बताइए हेमकुंड साहिब मिशन कंप्लीट हुआ।